राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर टाउन हॉल कचहरी क्लब के मैदान में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का सोमवार को रंगारंग समापन हुआ। प्रदर्शनी में कुशीनगर खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान सपहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवाश्रम कानपुर को ग्राम उद्योग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सभी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्य ललन प्रसाद तिवारी, विशिष्ट अतिथि खादी ग्राम उद्योग आयोग गोरखपुर क्षेत्र के निदेशक के पी राम रहे। इस अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हाफिज नसीब अहमद खान, एम के गुप्ता, गिरीश चंद्र सिंह, ए के पाल, एन पी मौर्या सहित ग्राम उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्य ललन प्रसाद तिवारी ने कहा, बाकी सर तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागतम शुभ आगमन, धन्य अवसर आज का है, धन्य अवसर आज का है। स्वागतम शुभ आगमन, स्वागतम शुभ आगमन, स्वागतम शुभ आगमन। धन्यवाद। प्रदर्शनी में बीच बीच में थोड़ी सी प्राकृतिक बाधा भी आई, क्योंकि एक दो दिन बहुत रात में बरसात भी हो गई, लेकिन खुशी की बात यह रही कि हमारी इकाइयों के जो प्रतिनिधि बनाए हुए हैं उनसे जब जानकारी किया गया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, अब ये प्रकृति की महिमा है। तो मतलब कुल मिला मिला करके मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी व्यवस्था बनाए थे उसमें हम लोग सफल रहे हैं, कहीं से कोई विशेष शिकायत नहीं रही, किसी भी तरह कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रही। दूसरा, इसमें जो इकाइयाँ हमारी प्रतिभा की हैं प्रदर्शनी में, तो इसमें हम लोगों ने जो है समिति के तरफ से इनके प्रदर्शन और बिक्री का जो आंकड़ा रहा है तो उसको हम लोगों ने डेली जो है जिस दिन की बिक्री शाम तक होती थी, रात में होती थी, उसको सुबह कलेक्ट किया जाता था और सब अपने अपने हस्ताक्षर से जो आंकड़े हम लोगों को प्राप्त कराए गए हैं कार्यालय में उसके आधार पर समिति ने जो है निर्णय लिया है। तो उसमें खादी सेक्टर की 3 इकाइयों को हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ग्रामोद्योगी सेक्टर की जो हमारे इकाइयाँ हैं उनके लिए भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये पुरस्कार उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। प्रतिनिधि पंकज पांडे जी, सभा फाजिल नगर कुशीनगर। मैं पहले बुलाता हूं भरद्वाज ग्राम। इस समापन अवसर पर दे श्री के पी राम सर। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा
और खादी आयोग द्वारा एक 10 दिवसीय प्रदर्शनी लगी हुई थी, आज समापन हुआ है उसका। निश्चित रूप से खादी ग्राम उद्योग यानी जो भारत की परंपरागत परिवारों की स्वावलंबन की व्यवस्था थी, उसी क्रम को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए ये उद्योग बोर्ड और आयोग दोनों काम कर रहा है। पहले हम अपने हुनर के बल पर और परंपरागत पारिवारिक उद्यमिता के बल पर दुनिया के अंदर भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, निश्चित आने वाला दिन हम उसी दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से एक दिन पूरे देश में हम स्वावलंबी हर परिवार को बनाएंगे, इस दिशा में ये विभाग और ये बोर्ड काम कर रहा है। पब्लिक का रुझान इस बार कैसा देखने को बढ़ रहा है? पब्लिक का रुझान बढ़ रहा है उत्तरोत्तर। अब लोग ये मान रहे हैं कि अगर हम कुटीर उद्योग को और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देंगे तो एक पंथ दो काज होगा, एक तो मेरा स्वयं जरूरत पूरी होगी और दो पैसा बचेगा तो उस हाथ में जाएगा जो जरूरतमंद हाथ है, जो जरूरतमंद परिवार है।